इस वीडियो में मैं आपको COVID-19 वैक्सीन लगवाने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको गूगल क्रोम पर जा करके cowin.gov.in करके सर्च मारना है, जिससे इस तरीके का इंटर सरफेस आ जाएगा। उसमें बताया रहेगा कि कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और कितने लोग महिला लोगों को लग गया है और पुरुष लोग को। तो आगे नीचे जाओगे तो रजिस्ट्रेशन साइन इन योरसेल्फ और रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु ऐप, तो फर्स्ट नंबर पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन साइन इन योरसेल्फ। अब अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर गेट OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ी देर वेट करिएगा तो गूगल पर कोड आ जाएगा, उस कोड को OTP को डाल देना है। जिसके बाद आपको फ़ोटो ID प्रूफ मांगेगा, तो फ़ोटो ID प्रूफ में आधार कार्ड फ़ोटो जो भी, तो आधार कार्ड का डाल सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड पर क्लिक करने के बाद आप नीचे में आधार नंबर डाल देंगे और आधार नंबर के बाद उसका अपना नाम लिख लेंगे, जो भी नाम है। उसके बाद आपका जेंडर और फिर आपका जो सन है, मतलब कब आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसको डालेंगे। उसके बाद फिर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो OTP आएगा उसे आप अपने पास रखिएगा, मैसेज में जो भी आपके OTP आता है या फिर जो भी नंबर्स आते हैं उसको आप अपने पास रखिएगा। और जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे तो वो नंबर आपको काम आएगा। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यार वैक्सीन को ज़रूर लगवाना, क्योंकि इस वैक्सीन के लिए ये तो किसी भी अप्रूवल वैक्सीन के लिए ये तो कहा जाता है कि वह हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को वैक्सीन जो है बढ़ा देता है। इसी कारण से हमारा हेल्थ जो है अच्छा रहता है। तो वैक्सीन को ज़रूर लगवाइएगा और अपना ख्याल रखिए यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर देख रहे थे मुझे फॉलो कर लीजिए।